ओम शांति। आज की तारीख है 14/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है और उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतोप्रधान बनती जाती है, उनकी आयु भी बढ़ती जाती है। उन्हें बाप की स्पेशल क्या होता है, सर्च लाइट मिलती है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है, आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है, वाचा में कम आना है। नंबर दो, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, सबका प्यारा बनना है और अपार खुशी में रहना है। वरदान शिव सतगुरु बाबा का कि कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से साफ रहने वाले कर्म योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योग अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो। बोझ अनुभव हुआ माना विधि में कहीं ना कहीं कोई गफलत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न हो। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है, कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। अगर रोज की मुरली पढ़ेंगे तो कमजोरी मिटती चली जाएगी। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। स्लोगन है, सफलता की चाबी के द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।